दोस्तों, रावण रामायण काल का एक महाबली और कुशल योद्धा था। उसके ज्ञान और पराक्रम की तारीफ तो स्वयं प्रभु राम भी करते थे। जब रावण अपने अंतिम समय में घायल युद्ध भूमि में गिरा हुआ था, उस वक्त प्रभु राम ने अपने भाई लक्ष्मण को ये आदेश दिया कि संसार का एक महान पंडित आज संसार से विदा ले रहा है, तुम इनके पास जाओ और इनसे शिक्षा प्राप्त करो। इतने महान पंडित थे महाराज रावण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान पंडित की कुल आयु इनके मृत्यु के वक्त कितनी थी? किस उम्र में महाराज रावण ने अपना शरीर त्यागा था? इनकी सटीक उम्र की व्याख्या हमें ज्यादातर ग्रंथों में नहीं मिलती है, लेकिन शिव पुराण एवं रावण संहिता में हमें इससे जुड़ी जानकारी मिल ही जाती है, जिसके अनुसार हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रावण की उम्र उनकी मृत्यु के वक्त कितनी होगी। कथा के अनुसार रावण ने कुल 11,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और उसके बाद उन्होंने अमृत का वरदान मिला था, तो इस हिसाब से रावण तपस्या के दौरान 11,000 वर्षों तक जीवित थे। इसके बाद उन्होंने अपने भाई कुबेर पर आक्रमण कर लंका पर विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा उन्होंने 72 चौकरी तक लंका पर अपना शासन कायम रखा था। चौकरी का हिसाब कुल 400 मानव वर्षों का होता है। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमें 72 चौकरी यानी कि कुल 28,800 मानव वर्ष और 11,000 वर्ष यानी कुल मिलाकर 39,800 वर्षों का जीवन काल मिलता है, जो कि लगभग 40,000 वर्षों के समान है। और इसी गणित से हमें पता चलता है कि रावण के मृत्यु के समय उसकी उम्र कुल 40,000 वर्ष थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।